आचरण से बता दिया, इसीलिए आज उनके मस्तकाभिषेक में सम्मिलित होने के लिए देश के अनेक मुनि संघ यहाँ उपस्थित होंगे। भगवान बाहुबली स्वामी ने चार बातें कही, सुख यदि चाहते हैं तो जीवन में अहिंसा होनी चाहिए, शांति यदि चाहते हैं तो त्याग का मार्ग, और यदि विश्व के लोग प्रगति करना चाहते हैं तो परस्पर में मैत्री होनी चाहिए, और यदि सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो ध्यान करें, अपना ध्यान करें, पर का ध्यान न करें, वैभव का ध्यान न करें, भौतिकता का ध्यान न करें, आत्मिक ध्यान से सिद्धि की प्राप्ति होती। इस प्रकार भगवान बाहुबली स्वामी का ये चिर संदेश यदि सारा विश्व धारण कर ले, अपना ले, तो आज सारे विश्व में जहाँ अशांति का वातावरण दिखाई देता है वहाँ शांति स्थापित हो सकती है। सुख चाहते हैं सुख हो सकता है, क्योंकि राग और द्वेष एक ऐसी वस्तु है जो हिंसा के ही रूप है, और उसी के कारण हम अहिंसा नहीं पालन कर पाते हैं, और इसलिए हमें सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती। और एक बात हम और कह दें, सुख अपने घर में है, लेकिन घर में मिलता भी नहीं है। सुख अपने घर में है लेकिन घर में मिलता नहीं है। भगवान बाहुबली ने इस बात को अच्छी तरह जाना समझा, सुख मेरे घर में है, अपने घर में है, जब मैं घर को छोड़ूंगा, वैभव को छोड़ूंगा, तब मुझे वह सुख प्राप्त होगा। ये मान करके उन्होंने अपने बड़े भ्राता चक्रवर्ती भरत को जीतने के बाद भी उसका त्याग कर दिया। ये विश्व की प्रथम घटना थी जब जीते हुए राज्य का त्याग करके और बाहुबली ने वन की राह ली, और उन्होंने वन की क्या राह ली, वन की राह लेने से वो बन गए, भगवान बन गए, आज हम सबके पूज्य बने हुए। बंधुओं, दूसरा उदाहरण है हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का, जिन्होंने जीती हुई धरती वापिस अपने पड़ोसी देश को लौटा दी। तो ये भारतीय संस्कृति, ये तीर्थंकरों की परंपरा अथवा महापुरुषों की परंपरा इसी प्रकार की रही है कि यहाँ त्याग को महत्व दिया गया है, और त्याग से ही उन्होंने शांति, आत्म शांति प्राप्त की, और जो भी त्याग करेगा वो आत्म शांति प्राप्त करेगा। आज के इस मंगल अवसर पर हम सारे विश्व को, सारे देशवासियों को यही संदेश देना चाहते हैं कि अपने जीवन में अहिंसा, त्याग, मैत्री और ध्यान को अपनाने का प्रयत्न करें, इससे कि आप अपने इच्छित सुख शांति और मैत्री और ध्यान सिद्धि को प्राप्त कर सकें। जय बोलो वेंकटेश्वर बाहुबली स्वामी की, जय बोलो।